हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो गया है और देख सकते हैं इस समय का व्यू। दोस्तों अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और धुंध भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। अभी मैं गाछी में आ गया हूँ, इस वजह से धुंध नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो उधर सरिया की तरफ जाते, खेत की तरफ तो बहुत ज़्यादा धुंध है। जैसे कि इधर देख सकते हैं तो खेत की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी दोस्तों आ गया हूँ इधर घूमने खेत की तरफ, और इधर गाछी ही है। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करके फिर यहाँ से चलेंगे। तो दोस्तों अभी 6:30 हो रहा है, 7 बजे से लगभग चलेंगे, 7 बजे तक एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करना था, वो तो हो गया, लेकिन अब एक्सरसाइज करना है। क्योंकि एक्सरसाइज अगर होते रहता है डेली तो मूड फ्रेश रहता है। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा जगह है, देख सकते हैं किस तरह का व्यू है। तो एक्सरसाइज के लिए ये मस्त जगह है दोस्तों। तो यहीं पे एक्सरसाइज करते हैं, और उधर बंसमिया है तो उनको डर लग गया है, दौड़ के भागा है। तो उधर बांस सस्ता जंगल टाइप का है ना उस साइड में, तो उधर बंसमिया वन का स्वामी जिसको बोलते हैं वही है। तो कुछ करता नहीं है, वो आदमी को देखता है ना तो दौड़ के भागता है इधर से इधर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद चलूँगा। एक्सरसाइज कर लिया, पूरी तरह से दम फूलने लगा। दोस्तों अब चलते हैं घर। अभी अभी दोस्तों हो गया 7:45, लगभग 15-20 मिनट एक्सरसाइज। तो देख सकते हैं मस्त सूर्योदय हो चुका है, सूर्य दर्शन कीजिए। और दोस्तों इसी गाछी में गए हुए थे। तो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ घर, और दोस्तों साइड में मुखी का खेत है और मॉर्निंग का व्यू इस तरह का है, देख सकते हैं इस तरह का है। तो दोस्तों चलिए घर पे मिलते हैं। दोस्तों घर पर चलेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आगे ताप लेते हैं। देख सकते हैं आगे फूके हुए थे अंकल जी। इधर जो है ना मरई है, मचान गड़ा हुआ है, मरई है ऊपर से।
और साथ में मोटर चल रहा है, गहूँ पट रहा है ना उस साइड में, तो यहीं पे रात में सोते हैं अंकल जी। तो ठंड के लिए आगे भी यहीं पे फूक के रखते हैं, तो आगे यहाँ पे मस्त है। और दोस्तों आ रहा था बहुत ज़्यादा हाथ कनकन आ रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठंडी के मौसम में ठंडा तो लगता ही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हाथ कनकन आ रहा है, ठंड लग रहा है। थोड़ा सा हाथ सेक लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं घर। घर पर चल कर दोस्तों चाय पियेंगे, उसके बाद में जो काम है से करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा आगे ताप के फिर उसके बाद चलते घर हैं। आ गया दोस्तों, और दोस्तों चाय पीते हैं। जैसे तो चाय है, आइए आप लोग भी पी लीजिए, और दोस्तों चाय पियेंगे। उससे पहले इसमें थोड़ा सा तुलसी डाल लेते हैं, दो तीन बूंद, तीन बूंद डाल लिए। और तुलसी डालने से होता है कि हेल्थ अच्छा रहता है, तो इसलिए डाल लिए। और सुबह सुबह चाय जो है ना तुलसी के साथ पीना भी चाहिए। तो दोस्तों पीते हैं, आइए आप लोग भी पी लीजिए और चाय पी लेते हैं। दोस्तों चाय पी करके उस समय और स्नान किया हूँ, स्नान करके और फिर उसके बाद में खाना खा के अभी मैं चल दिया हूँ, जा रहा हूँ अभी दोस्तों सीतामढ़ी। थोड़ा सा माल लाना है, मेल ख़त्म हो गया है, तो ही अभी चल रहे हैं दोस्तों। 10:30 हो गया है अभी, और दोस्तों हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है सीतामढ़ी टाउन, मैं गाँव इलाका से हूँ, तो 20 किलोमीटर पड़ता है, तो जाने में लगभग 1.5-2 घंटा, 2 घंटा मानिए ना, आराम से जाएंगे तो 2 घंटा समय लगेगा। तो चलते हैं, और दोस्तों आज साइकिल से ही जा रहे हैं इसलिए 2 घंटा लगेगा, नहीं तो वो गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी से लगभग 1.5 घंटा लगता जाने में। थोड़ा साइकिल चलाने का मन था तो साइकिल से ही जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल अभी चलते हैं, और सरिया वाला रास्ता से चल रहे हैं, तो देख सकते हैं रास्ता बैक साइड में दिख रहा होगा, अच्छा रास्ता नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे चला रहा है साइकिल। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ, अभी रास्ता आधा रास्ता पर आ चुका हूँ, और दोस्तों चलते हैं। अब बहुत दिनों बाद साइकिल चला रहे हैं, तो बहुत ही भारी मतलब मेहनत लग रहा है साइकिल चलाने में। सब दिन चलाते थे गाड़ी, लेकिन आज चला रहे हैं साइकिल, तो साइकिल चलाने में बहुत मेहनत लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी आधे रास्ता पर आ गया हूँ, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है सीतामढ़ी। जा ही रहा हूँ, और इस समय जाते समय जो है ना गाड़ी से रहता तो गाड़ी को खुराक देना पड़ता, 110-120 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ता, और मुझे भूख लग गया है तो मैं नाश्ता किया हूँ मात्र 12 रुपये, तो मेरा जो है ना मेरा पेट भर गया मात्र 12 रुपये में, और गाड़ी रहता तो गाड़ी का पेट भरता 120-110 रुपये में। चलिए दोस्तों फिलहाल अभी चलते हैं, अभी लगेगा 10 मिनट और पहुंचते हैं दुकान पर। दोस्तों माल ले लिया, पुराना एक्सचेंज रोड में से ही ले लिया हूं, तो चलिए दोस्तों 2500-2600 का माल लिए हैं, और चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर की तरफ। दोस्तों एक सरफ लिया हूं, तो सरफ ले लिया, और इधर माल लिए हुए हैं, एक बोरा हुआ है कितना 2700-2800 का टोटल माल है, तो चलते हैं ले लिए, थोड़ा सरफ लेना था पीछे वाला दुकान में लिए, तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर की तरफ। दोस्तों लगभग टाइम हो गया है 4, और अभी मैं पहुंचने वाला हूं घर पे, लगभग यहां से 15 मिनट लगेगा साइकिल से, क्योंकि 1.5 किलोमीटर है यहां से, तो देख सकते हैं सूर्यास्त भी होने वाला है, मतलब आधा घंटा में हो जाएगा, अभी बेर अभी ऊपर ही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और दोस्तों वहाँ से चलने के बाद जो है ना धीरे धीरे आ रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे मात्र 10 की स्पीड में, तो चलते हैं दोस्तों। और आके यहाँ पिछला चौक पे नाश्ता किए हैं सोनौल सुबह चौक पर, और दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा समोसा लिए हैं और थोड़ा सा सब्जी लिए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों इसी झोरा में है सब सब्जी है, इधर सब्जी है, और इसमें समोसा लिया थोड़ा सा श्रवण कृष्णा के लिए, और इधर सब्जी है गोभी और आलू। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचने वाला हूं, लगभग यहां से 1.5 किलोमीटर है घर, तो जाते जाते लगभग हो जाएगा 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर पे, और टोटल आज का खर्चा और माल लेकर के 3664 रुपये का माल लिया हूँ, 3664 रुपये का माल, और
₹80 खर्चा हो गया, तो दोस्तों टोटल हो जाता है 3520 रुपया टोटल खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों टोटल आज का खर्चा हो गया 3520 रुपया। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते घर। दोस्तों तो अभी पहुंच गया घर और 4:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अभी, देख सकते हैं अभी तो उतार लिया और अप डाउन में कितना 20 किलोमीटर है सीतामढ़ी टाउन यहाँ से, तो अप डाउन में हो गया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर आज का यात्रा हुआ साइकिल से बहुत दिनों बाद, तो आज पूरा तरह से पैर दर्द कर रहा है। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।